पहले मान नहीं रहे थे और अब इतनी बेताबी। ठंडा होने दो, गरम गरम खाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। मैंने फरीद के कान में बात डाल दी है, बस ये पाशा का कांटा निकल जाए। फरीद सरीन को तो मना ही लेंगे। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? आपसे मतलब? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो। माँ, माँ का रिश्ता तो नहीं मान रही, लेकिन नंद कर मनवा के ही छोड़ूंगी। कैसे बोल जाए, तू हमारे सामने आता है तो हमारा बाप हमको याद आता है। हम उधर था बहुत खुश था। किस वास्ते तुम आपको यहाँ लाकर बिठाया? हम इसको just हमको लाके इधर क्या किया? Calm down, no, calm down, no, relax. I want to go back. Mom, no, I am going back. तुम बोलो तुमको क्या चाहिए? हम लेकर आएगा, promise. Whiskey. विस्की चाहिए हमको। मम, हम विस्की नहीं ला सकता, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। झूठ, झूठ बकता तुम। हमको मालूम तुमके पास बहुत पैसा। हम सच बोल रहे हैं मम, आई डोंट हैव द मनी। वो पैसा सब किधर गया जो तुमने इतना कमाया? वो सब पैसा किधर? I've got to go. Go, चल, दफा हो चल। कितना दबा जो तुम।
ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देख रहा हूँ कि दुनिया में इस चेहरे से ज्यादा हसीन शायद ही कोई चीज हो। इस चेहरे को जख्मी करने के बाद ये ख्याल आ रहा है तुम्हें? इन्हीं हाथों ने इस चेहरे को जख्मी किया था ना। कभी कभार जी चाहता है कि इन्हें तोड़ दूं। आपने बात की है जरी से? नहीं, दरअसल मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता हूँ। अम्मा का फोन आया था, उन्हें जल्दी है, नौफिल की छुट्टियां खत्म हो रही है, उसे अमेरिका जाना है। तो उन्हें समझाओ ना। मैं उन्हें समझाऊं? आप अपनी लाडली को ना समझाएं। और एक बात कहूं, मुझे आजकल उसकी एक्टिविटीज कुछ मशकूक लग रही हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि उसने अपनी पहली गलती से कोई सबक नहीं लिया, वो दोबारा वही गलती करने जा रही है। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, इसलिए जो कुछ करना जरा जल्दी कर ले। क्या बात है मेरा? कुछ नहीं। अब्दुल कादिर के लिए उदास हो तो फोन कर लो ना उसे। फोन करने से उदासी दूर हो जाएगी? एक वक्त था कि खत आदि मुलाकात हुआ करता था, अब फोन है। कम से कम कुछ उदासी तो दूर हो ही जाती है। नहीं सदीकी, फोन करने से उदासी दूर नहीं होती, खास तौर पर अगर दूसरी जानिब से मोहब्बत का एहसास वापस ना मिले। मोहब्बत का एहसास दोनों जानिब से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। आपने तो हमेशा मेरी मोहब्बत पर शक किया। ज़रीन। जी पापा। तुमने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पापा, मैं अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही। फैसला नहीं कर पाई या कोई और हमाकत करने की सोच रही हो? पापा, अगर मुझे दूसरी शादी करनी है तो क्यों ना मैं अपनी पहली शादी को मेंटेन करूं? ओह, इसका मतलब है कि नीलम का शक ठीक है। सर, तुम जो कुछ सोच रही हो उसे भूल जाओ। वो लड़का इस काबिल नहीं है कि हमारे खानदान का हिस्सा बन सके। और फिर जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसे भूल गई हो? मैं तुम्हें इतना कम अकल नहीं समझता था। पापा, वो अब बदल गया है, और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी में वो सब कुछ नहीं होगा? इसका मतलब है कि तुमने उससे दोबारा मिलना शुरू कर दिया है। तुमने बहुत मायूस किया है, बहुत मायूस किया है जरी मुझे। I'm sorry, पापा। इस बात की क्या गारंटी है कि अब वो अच्छा शौहर साबित होगा? पापा, उसने मुझे यकीन दिलाया है और वो बहुत शर्मिंदा है अपनी हरकतों पर। उसने तुम्हें यकीन दिलाया और तुमने यकीन कर लिया। याद रखो जरी, सांप कभी अपनी फितरत नहीं बदलता, उसे जब भी मौका मिलता है अपने मोहसिन को डस लेता है। तुम तो शायद अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें मजीद उसके हाथों में खेलने नहीं दूंगा। अंदर जाओ और खुला के पेपर पर साइन करो। ठीक है, शायद यही मेरी सजा है।
कि मुझे तन्हा रहना पड़े तुम्हारी यादों के सहारे। मैं उनको मनाने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, वो नहीं मान रहे। सरीन, मैं खुद अंकल के पैरों में गिर जाता, मगर मुझे एक बात का यकीन दिला दो, तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है ना? पता नहीं पाशा। क्या मतलब? वो मेरी दूसरी शादी करना चाह रहे और मैं अब कोई और तजुर्बा नहीं कर सकती। इसका मतलब है मेरे पास लौट के आना तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं, एक मजबूरी है। मेरी मोहब्बत को मजबूरी तुमने ही बनाया है। ज़रीन, मैं तुम्हारा जज्बा लौटा दूंगा, बस एक बार मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि पहले से बेहतर हो जाएगा। तुम्हें माजी की यादें परेशान नहीं करेंगी। हेलो। हे। अब कैसे हो? ठीक नहीं है। You ate something? Yeah. My friend, he just made me some breakfast. Can I change your dressing? Sorry? It's time to change your dressing, so. Yeah, sure. I'm so sorry. Sorry. Did that hurt? No, it's okay. Okay. Yes, I'm sorry yesterday. You okay? Yeah. Sorry. Ma'am. खाना बना सकती थी। आई कुड हैव मेड फूड फॉर यू बट आई कुडंट, आई हैड टू गो समवेयर। सो व्हाट वाज योर नेम अगेन? नेल, नेल इब्राहिम। ओह, देयर यू गो। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू? आई मीन एशियन और? माय मॉम इज इंडियन, मुस्लिम इंडियन। My dad's black. I just wanted to thank you, you know, you helped a lot. Lekin ab main theek hoon, so if you want to leave, it's okay. But you just, tumne kaha that you're not okay. Yeah, but I'll be fine. It's okay, I'd rather be here till you're okay. Can I ask you a question? Yeah. Sure. Are you तुम मुस्लिम हो? Yes, I am. Ah, so you are Muslim. Would it be okay जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो जाती, would it be okay if I keep coming? No, no, actually, you know, तुम्हारा इस तरह मेरा ख्याल रखना, I just don't like it. Why not? I like it. अच्छा लगता है। You know, what if I hire you as a maid or housekeeper? Sure.
That would actually be perfect. मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता यार. अब नहीं, it's okay. मेरा काम, you know, let me work and you tell me कि काम क्या है and we'll decide later on. Yeah. Okay. मैं चाय नहीं पीता. Coffee would be great. Right. हेलो मॉम, ये तुम क्या लाया? तुम्हारा फेवरेट गार्लिक ब्रेड. हमको नहीं चाहिए तुम्हारा गार्लिक ब्रेड. हम तुमको बताया मॉम, हमको जॉब मिला. तुम बोलो तुम्हें क्या चीज चाहिए, हम तुम्हें लाके देगा. बोलो. हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कोई अच्छा चीज. What's your problem? तुम आपको क्यों परेशान करता? हम तुमको परेशान नहीं करता. हम खुश करता तुमको यहाँ लाके. That's why I brought you here to make you happy, to take care of you. हा, ख्याल. तुम हमारा क्या ख्याल रखेगा? तुम्हारा बाप हमारा ख्याल नहीं रख सका. हमको वापस भेजो. हम जो वापस जाना चाहता. Just give me one chance, mom. फिर तुम वापस चला जाना. जब हम ही यहां पर नहीं होगा मम, तो तुमको तो वापस चला ही जाना है. तुम किधर जाता? बस हम चला जाएगा, तब तक तुम हमारे पास रहो. ओके, जाओ जाओ, चलो, गो टू हेल. लेकिन हमको इस जानम से निकालो. डोंट वांट टू लिव हियर नाउ. डोंट वांट टू लिव इन दिस हेल. कम ऑन नाउ. मम, डू यू इवन नो? तुमको पता है कि जहन्नुम कैसा होता है? हम सबको जहन्नम में जाना. हम सब जहन्नमी है. हमका वास्ते इस दुनिया में भी जहन्नम था और उस दुनिया में भी जहन्नम होगा. इस दुनिया में हम अपना हाथ से जहन्नम बनाया और उस दुनिया में हमारा अमाल हमारे लिए जहन्नम बनाएगा. तुम गॉड से माफी मांगो मॉम. आई टोल्ड यू दिस बिफोर. आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस. ही फॉरगिव यू. व्हाई? व्हाई शुड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस? व्हाट हैव आई डन? मैं क्या किया? तुम माफी मांग ले. तुम गुनाह किया. तो माफी मांगो. हम क्यों माफी मांगे? हम माफी मांगना चाहते हैं मॉम. हम बस जानता नहीं है गॉड से माफी कैसे मांगता है. आई जस्ट डोंट नो. बेटा इधर आना जरा. अरे नोफिल मामू, आप कब आए? मामू? क्यों मामू नहीं आप मेरे? अगर आपकी बहन मेरी अम्मी है तो आप मेरे मामू ही हुए ना. क्या मामू मामू लगा रखी है बेटा? ये तुम्हारा हम उम्र है, नाम लो इसका. एनीवे, अच्छा नोफिल मामू बताएं अमेरिका से कब आए और इस बार अकेले ही चले आए? कब लेके आएंगे मामानी मेरी? वो इस बार मैं इसी सिलसिले में आया हूँ एक्चुअली. अच्छा, तो फिर जल्दी करें ना, इससे पहले कि आपके सर के बाल और कम हो जाए. बाय मामू. तुम भी ना बिल्कुल ही बेवकूफ हो मामू बन के बैठ के. रिश्ते में तो मैं उसका मामू हूं ना. अरे बेवकूफ सोतेला मामू कोई मामू नहीं होता. और अगर तुम्हें इतना रिश्ता जोड़ने का शौक है ना तो कोई और लड़की ढूंढ लो. पापा क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसके साथ मामू भांजी का रिश्ता जोड़ूंगा? तो फिर मेरी बात सुन, उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो ताकि उसके सर से ना पाशा का भूत उतरे. क्या उसके ऊपर आसेब भी है? तुम तो बिल्कुल ही टफर हो. अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूं. ये क्या हुआ? वैसे एक्सीडेंट के बाद तू काफी सुकड़ हो गया भाई. पूरा अपार्टमेंट ऐसा चमचम कर रहा है तेरा. देख ले, वैसे तुम्हारी मदद काफी महंगी पड़ गई मुझे.
अपार्टमेंट को इतना उल्टा पुल्टा करके गए थे आप, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, तो दर्द ऊपर से इतनी गंदगी, सीरियसली यार ये मुझसे नहीं होती सफाई शफाई, कसम। वैसे भी औरतों का काम है यार, मर्दों का काम थोड़ी, और तू कब से इतना सुगड़ हो गया? औरतों की बात नहीं है, इंसान की आदत होती है, फितरत होती है, वैसे खासी औरतें भी गंदी होती हैं। यो मेन को जज्जी, तबीयत कैसी है तेरी अब? ओए अच्छा सॉरी, ये वाले बस मच बेटर, बट चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। चल कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। सुनो वो सरमद और शामीर का फोन आया? नहीं। आना भी कहाँ से, उनको तो खबर ही नहीं हुई होनी तुम्हारे एक्सीडेंट की। ले मुझे याद आया, शामीर तो शायद पाकिस्तान निकल गए, और सरमद का तुझे पता है रोजाना दूसरे शहर से आना मुश्किल है। शुक्र अदा करें आप कि मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद करोगे कि किस सखी से पाला पड़ा था तुम्हारा। यार मेरे पल्ले गल पह नहीं रही कुछ, इतनी सफाई शफाई कैसे कर लिए तुमने? I forgot to tell you यार, वो I've hired a maid। यही ना काम की बात, मेड मतलब कितने पैसे लेती है, कितने साल की है और कब रखी बताना यार। डिसाइड नहीं हुआ, बट शी इज अ मेड। बट शी इज है ना। लो फिर शेयर्स द मेड। शेयर नहीं, चीयर्स टू द मेड। ओ या हो ही यार, दोबारा बात की अपने जरिए से? नहीं। क्यों लटका रहे इस मामले को? जरीन से बोले कि खत्म करें ये तमाशा। अब देखें ना, तलाक होगी, फिर इद्दत, फिर जाके दूसरी शादी। अब नौफिल के पास भी इतनी छुट्टियां नहीं कि बैठ के इंतजार करता रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरीन मानेंगे। क्यों, क्या कहती है वो? वो कहती है कि दूसरी शादी करने से बेहतर है कि अपनी पहली शादी को बचा ले। देखा, ये सब पाशा का किया दर है। मैं आपसे कह रही थी कि जरीन उससे मिलने लग गई है, और पाशा वो तो चाहता ही यही था कि ये सोने की चिड़िया उसके हाथ से ना निकल जाए। आखिर जरीन पूरी जायदाद की अकलौती वारिस है। और तुम, तुम्हारी क्या सोच है? तुम क्यों नौफिल का रिश्ता जरीन से करना चाहती हो? मेरी क्या सोच होगी, मैं तो सिर्फ आपकी परेशानी का हल चाह रही थी। आखिर आपकी परेशानी मेरी परेशानी भी तो है। और फरीद देखे ना, तलाक के बाद खानदानी रिश्ता मिलना कोई आसान बात तो होती नहीं है, और नौफिल तो अपने घर का बच्चा है, देखा भाला पढ़ा लिखा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहेंगे वो ही होगा। और यार तू टेंशन ना ले, जर्मनी पहुंच गया ना, बस तुझे इंग्लैंड पहुंचाना मेरा काम है, फिर थोड़े दिन सबर कर तू। छड़ दे हूं, बाय। हाय जनाब, हाउ आर यू? मैं क्या, थोड़ी देर हम भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाएगा। No, thanks. तो पता तू मुझे अच्छी क्यों लगती है? तुझे उर्दू आती है, वरना इन गोरियों को हमारी ज़बान में गालियों के अलावा कुछ आते ही नहीं। एक लफ्ज नहीं बोल सकती उर्दू का, बंदे के कान थक जाते हैं। गैब किधर है यार? मैं अपार्टमेंट भी गया था तेरे, वो भी तूने बदल लिया। तुम हमको ढूंढता? एक दफा बड़ा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि तुझसे मिल ही लूं। I've changed my apartment. बता ही देती को फायदा ही हो जाता। हमको तुमके साथ कोई फायदा नहीं होता। हाय ओए, बड़ी बेमुरव्वत निकली है तू। I mean selfish. Actually, Faiz, हम अब जानता है कि हमका किस में फायदा है और क्या नुकसान है। क्या बात है जनाब। ओए नवा सबक किसने पढ़ाया तुझे? ताकत,
छानवी तो दसो ऐसा कौन है जिसको फैज रसूल नहीं जानता? और बरसों खाक छानी है मैंने, शहर की एक एक को जानता हूँ मैं, दस कौन है? No, you wouldn't know him. How is it possible? वो तो आया था, कोई फरिश्ता है? Yes, in fact, तुम ठीक बोलता, he was an angel. सबर कर, तेनू की मौत पई रही है? खा क्यों नहीं रहे? जी नहीं चाह रहा। क्यों? जल रहा हूं जुदाई की आग में। इसलिए तो आइसक्रीम ज्यादा अच्छी है, ठंडक पड़ेगी, खाओ। ज़रीन, कब तक मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्यों तुमसे दूर रहना पड़ता है मुझे? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना होगा मुझे? शौहर हूं मैं तुम्हारा, अगर चाहूं तो अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। मैं पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूं ना, लेकिन इस बार मैं उनको नाराज करके नहीं आना चाहती पाशा। और अगर अंकल नहीं माने तो? वो मान जाएंगे, उनको थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, एक हफ्ता, एक हफ्ता देता हूं मैं तुमको। अगर तुमने उन्हें मना लिया तो ठीक है, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा वहां। ऐसी कोई हरकत नहीं करना प्लीज। तुमने बांध रखा है वरना मैं कब का ये कर चुका होता। तुम समझती क्यों नहीं हो ज़रीन? तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हर लम्हा मेरे ऊपर सदियों की तरह बीतता है। और वो हसीन पल जो मेरे लिए भयानक ख्वाब बन गए थे, उनका क्या? तुम माजी को भूल नहीं सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ ना पाशा, और इसी कोशिश की वजह से मैं तुम्हारे सामने बैठी। लेकिन अगर एक दफा माजी फिर मेरे सामने हकीकत बनकर आया ना। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। सॉरी आई वाज लेट टुडे। It's okay. You know, you do look better today. Yeah? काफी बेहतर हूँ, बस ये थोड़ा सा टांग में अभी भी प्रॉब्लम। टांग का दर्द भी जल्द अच्छा हो जाएगा। Okay, I'm going to go to laundry today. Where are your clothes? In the room. Okay. ये क्या है? बेर। पर तुम कैसे पी सकता है बेर? ऐसे। या पर तुमने कहा था दैट यू आर मुस्लिम, बट दिस इज अल्कोहल। मैं अल्कोहल नहीं पी सकता।
You said the other day that you're Muslim. Muslims don't drink alcohol, right? ये बात किसने बताई तुम्हें? पता है, I know. जानती हूँ मैं. It's haram, right? देखो ये हराम है या हलाल मैं नहीं जानता. तुम सही हो या गलत ये भी नहीं जानता. तुम ये अपना काम करने आती हो, why don't you just do your work? Stop irritating me, will you? Just leave. मम्मी तो घर पर नहीं है. अच्छा, कहाँ गई हैं आप? बहुत जरूरी काम करने, मतलब शॉपिंग करने. ओ, वैसे एक बात कहूँ, मैं आपा से नहीं आपसे मिलने आया था. अच्छा, वो क्यों? आप अच्छी जो इतनी लगती हैं मुझे. अच्छे तो आप भी मुझे बहुत लगते हैं मामू. आप मुझे मामू मामू क्यों कहती हैं, सिर्फ नौफिल क्यों नहीं कहती? इस वजह से क्योंकि आप मुझे सिर्फ बतौर मामू अच्छे लगते हैं. अगर आप नौफिल होते ना, तो मैं आपको कब का इस घर से उठाकर बाहर फेंक देती. समझ आई आपको? मैं तो आपको अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ और आप मुझे अपने घर से धक्के देके निकाल रही. दिमाग ठीक है आपका? आप एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज करने का सोच रहे हैं? वो आपा कह रही थी. बकवास कर रही थी आपकी आपा. अब जल्दी से चाय पीजिए और यहाँ से चलते फिरते नजर आइए मामू. You said the other day that you're Muslim. Muslims don't drink alcohol, right? ये बात किसने बताई तुम्हें? पता है, I know. जानती हूँ मैं. It's haram, right? बिस्किट भी उसने बनाए, कोई कश्ती केक भी उसने बनाया है. ए क्यों? ओ भाई, किस मराकबे में यार, एक बंदा इतनी दूर से तुझसे मिलने आया और तू ऐसा गुमसुम बैठा हुआ जैसे तेरी बत्ती गई हुई. हुआ क्या? वैसे तू जानता है शराब हराम होती है. हैं? वाह है मेरे भोलिया बादशाह, तुझे अभी इलाम हुआ है कि शराब हराम होती है? वाह है. वैसे जनाब का हाल तो बकौल गालिब के कुछ यूं है कि गोहात में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने तो सागर बनिया मेरे अगे. वाह भाई वाह. बट कम ऑन यार फैज, आई एम सीरियस. मैं तुम तो मौलवी के बेटे हो यार, तुम्हें तो इल्म होगा इस सारी बात का. तुम कैसे एक हराम चीज को बिना झिझक पी लेते हो? ओ यार, ओ तू नहीं जानता इसके बारे में कुछ क्या? तूने पहले नहीं पढ़ा? नॉट एग्जैक्टली यार, हमारे घर में तो इसे नॉर्मली पार्टीज में एज ए ड्रिंक सर्व किया जाता था. हाँ, बचपन में इस्लामियात की बुक्स वगैरह में पढ़ा है, लेकिन तुम तो एक मौलवी के बेटे. और छोड़ दे यार, मौलवी का बेटा पीछे ही पड़ गया तू. जरूरी नहीं है जो मौलवी का बेटा हो वो आगे से मौलवी बने. मिसाल सुनी है ना तूने, चिराग तले अंधेरा. लेकिन तू खुद सोच यार, मौलवी गुलाम रसूल के घर में तुझ जैसा गुनहगार इस तरह पैदा हो जाए, ताज्जुब की बात नहीं? जानते है क्यों, मेरा प्यो भी ना मुझे अपने किसी ना करता गुनाह की सजा कह के बुलाता था. मुझे भी ऐसे ही लगता है, औलाद को आजमाइश कहते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में हर वो काम किया जिस से मेरे बाप ने मुझे मना किया, और जो काम मैं पाकिस्तान में नहीं कर सका ना, मैंने यहां पे आके किया. एक यू जिमें बहुत मीठा खाने से ना दिल खराब होने लगता, जैसे बहुत रोशनी में अगर आप आंखें खोल लेना तो आपकी आंखें चुंदिया जाती हैं. बिल्कुल उसी तरह से ज्यादा नेकी बाज लोगों को रास नहीं आती. मेरे घर में
नेक पकीजा माहौल देखकर ना मेरा दिल खराब होने लगता था। मैंने कहा उस माहौल को खराब करूं, उससे बेहतर है कि मैं यहां से निकल ही जाता हूं, तो मैं इधर आ गया। मेरा बाप भी सोचता होना है कि उसका बेटा जो है वो बड़ा ही कोई नेकी का काम कर रहा है, हक हलाल के पैसे कमा कमा के मुझे पौंडों में भेज रहा है। मैं उसे पता चल जाए अगर कि इधर छोटी छोटी दो नंबरियां ते इधर द माल उधर, तो ये सब कुछ करके मैं पैसे कमा रहा हूं, तो मेरा ड्राफ्ट मिलने से पहले उसे हार्ट अटैक हो जाए। सॉरी ले, सॉरी वाली कड़ी गल, सैड स्टोरी मैं तुझे सुना रहा हूं, तू मुझे सॉरी कर रहा, बहुत अच्छे यार। वैसे ये क्यों, ऐसा सवाल आया कैसे तेरे दिमाग में?